ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र के जगन्नाथ स्कूल के समीप सिरफिरे आसिक का हाई वोल्टेज ड्रामा आज देखने को मिला। आसिक ने अपने प्रेमिका को अपनी पत्नी बताकर अपने घर ले जाने के लिए अपनी माँ और रिश्तेदारों के साथ प्रेमिका के घर पहुंच गई, जहां दोनों परिवार के बीच जमकर बवाल हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों परिवार हाथापाई पर उतर गया। पूरा मामला प्रेम प्रसंग और शादी से जुड़ा बताया जा रहा है। युवती मेघा के परिवार ने आरोप लगाया है कि जब आज सभी लोग घर में सोए हुए थे, तब युवक अभिजीत ने उनके घर पर अचानक से हमला बोल दिया। आरोप है कि युवक अभिजीत और युवती मेघा के पिता गोपाल वर्मा के बीच मारपीट भी हुई, जिससे गोपाल वर्मा को लहूलुहान कर दिया गया। हंगामे के बीच लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दिया। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर युवक अभिजीत को अपने साथ थाना लेकर चली गई। उधर युवक अभिजीत का कहना है कि मेरी शादी मेघा शर्मा से 4 वर्ष पूर्व हो चुकी है। शादी दोनों की रजामंदी से हुई थी। माँ बाप और परिवार के दबाव में मेघा शर्मा जबरन शादी करने का मुझ पर आरोप लगा रही है और शादी से मुकर रही है, मगर हकीकत है कि दोनों ने राजीव मनी से शादी की थी। अगर मेघा का मेरे साथ नहीं रहना है तो मुझे तलाक दे दे, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की जा रही है। अंकल हम तो बचा रहे, लड़की नहीं चाहती तो तलाक लो, क्यों मैं जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। लड़की मुझे शादी फर्जी है, जो कभी भी कोई फोटो कोई भी आदमी निकाले शादी फोटो फेसबुक में छोड़ता है, लड़की मेरे खिलाफ शादी की आज क्यों फिर मतलब लड़की आपके खिलाफ चली जा रही है। माफ कर रहा हूँ जातिवाद, क्योंकि मैं अदर कास्ट से हूँ। ये लोग बोलता है मारवाड़ी, हम हिंदू समाज नहीं मानेंगे, हमने मारवाड़ी हम अलग कास्ट है, क्या बात, हम अलग कास्ट है, जबरदस्ती वो कर लेंगे, हम नहीं मानते ये शादी को, शादी हुई नहीं है तो कैसी शादी। तो ये डिवोर्स दे देना चाहिए, क्यों दे देना चाहिए, शादी हो तब ना हम डिवोर्स दे, नहीं, और फैमिली कोर्ट की जजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ। तो फिर ये मेरे पर हरिजन नाम का केस कर रहा है, अनुसूचित जाति का है, उसी शादी को एक दूसरे के ऊपर किए गए मुकदमे के अंतर्गत ऊपर आरोप लगाए गए, मेघा के पिता गोपाल शर्मा का कहना है कि अगर मेरी बेटी को उस युवक के साथ जाना चाहे तो जा सकता है, मैं गाजे बाजे के साथ भेज दूंगा, परंतु घर में आकर मारकाट मचाकर और केस मुकदमा पर युवक और उसके परिवार दोस्तों द्वारा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कोर्ट में मामला 4 साल से चल रहा है, 17 से चल रहा है भैया, अगर कोर्ट तुमको साबित कर देती तो तुमको भोर बजा के कहते ले जाओ, हंसी लड़ाई झगड़ा करके नहीं। और एक दफा नहीं, 4-4 दफा मीटिंग हुई, 4-4 जगह समाज में मीटिंग हुआ, अगर बैठ करके केस मुकदमा राजी खत्म कीजिए आप लोग, तो वो उसको भी नहीं माना, इसको तो रोक था भाई, हमारा ST ST का रोप दिखा के जितना पे लड़की तक पे है, लड़की तक पे तो मान लीजिए ST ST का केस है, हमारे पर है, हमारे चारों भाइयों पर, तीनों भाइयों पर है, हमारे लड़के पर है,
जो भी हाँ, हाँ हमारा हमारा 376 चल रहा है। क्या हुआ